हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 सोयल के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टेक द मोस्ट सुटेबल आंसर इन क्वेश्चंस 1 एंड 2। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मोस्ट सुटेबल आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सोयल कंटेन्स, यानी के सोयल में रॉक पार्टिकल्स के अलावा क्या क्या होता है। इसके लिए हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एयर एंड वाटर, सेकेंड ऑप्शन है वाटर एंड प्लांट्स, थर्ड ऑप्शन है मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, और फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट्स वाटर, एयर एंड प्लांट्स। तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन 3। तो हम आंसर में लिखेंगे ऑप्शन 3, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। यानी के सॉयल में रॉक पार्टिकल्स के अलावा मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर पाए जाते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाइएस्ट इन, यानी के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाइएस्ट होती है, और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सैंडी सॉयल, सेकेंड ऑप्शन है क्लेई सॉयल, थर्ड ऑप्शन है लोमी सॉयल, और फोर्थ ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम। यानी कि हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि कौन सी सॉयल में हाइएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि कौन सी सॉइल में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर मोस्ट सुटेबल आंसर रहेगा सेकेंड ऑप्शन, यानी कि क्लेई सॉइल। तो यहां पर आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन 2, क्लेई सॉइल, यानी कि क्लेई सॉइल में हाइएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2, यानी के कॉलम 1 में हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें उन्हें मैच करना है कॉलम 2 के ऑप्शन से। कॉलम 1 में हमें ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अपर लेयर ऑफ द सॉयल, सैंडी सॉयल, मिडल लेयर ऑफ द सॉयल एंड क्लेई सॉयल, और कॉलम 2 में हमें ऑप्शंस दिए गए हैं लार्ज पार्टिकल्स, ऑल काइंड्स ऑफ सॉयल, डार्क इन कलर, स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक टाइट एंड लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। तो कॉलम 1 में सबसे पहले हमें दिया गया स्टूडेंट्स अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो क्या है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होम यानी के घर है। तो इसके लिए सही आंसर रहेगा ऑल काइंड्स ऑफ सॉयल। तो इसके आगे हम यहां पर कॉलम 2 में लिखेंगे ऑल काइंड्स ऑफ सॉयल। हर तरह की मिट्टी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हर तरह की जो सॉयल होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होम यानी घर की तरह होती है। इसके बाद कॉलम 1 में सेकेंड ऑप्शन में हमें दिया गया है अपर लेयर ऑफ द सॉयल। इसके लिए कॉलम 2 में जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो है सी ऑप्शन, यानी कि डार्क इन कलर, क्योंकि जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होती है वो डार्क होती है कलर में, क्योंकि ये ह्यूमस से भरी होती है। इसके बाद कॉलम 1 में हमें थर्ड ऑप्शन दिया गया है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के लिए कॉलम 2 में जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन A, यानी कि लार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। इसके बाद कॉलम 1 में हमें फोर्थ ऑप्शन दिया गया है मिडल लेयर ऑफ द सॉयल। इसके लिए कॉलम 2 में बेस्ट ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स ऑप्शन E, लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, क्योंकि जो मिडल लेयर ऑफ सॉयल होती है इसमें ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस की क्वांटिटी कम होती है। इसके बाद कॉलम 1 में हमें फिफ्थ ऑप्शन दिया गया है क्लेई सॉयल। क्लेई सॉयल के लिए कॉलम 2 में बेस्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन D, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट, क्योंकि क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, साइज में छोटे होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, हमें यहां पर यह बताना है कि सॉइल कैसे बनती है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वॉटर एंड क्लाइमेट। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स
कि सॉयल बनती है रॉक्स यानी पत्थरों के टूटने से। और रॉक्स किनके द्वारा तोड़े जाते हैं? विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा और क्लाइमेट के द्वारा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। और रॉक्स के टूटने से जो सॉयल बनती है, इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। यानी कि विंड, वाटर एंड क्लाइमेट के द्वारा रॉक के टूटने से जो सॉयल बनती है, इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, हाउ इज द क्ले सॉयल यूजफुल फॉर अस, यानी कि क्ले सॉयल हमारे लिए यूजफुल कैसे होती है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द क्ले सॉयल इज क्वाइट हाई। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि क्ले सॉयल की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, यानी वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। यानी कि क्ले सॉयल ज्यादा पानी को होल्ड करके रख सकती है। ऑल्सो क्ले सॉयल इज रिच इन ह्यूमस एंड इज वेरी फर्टाइल। यानी कि क्ले सॉयल में बहुत सारा ह्यूमस होता है और क्ले सॉयल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, यानी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। क्ले सॉयल इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स लाइक वीट, पैडी एंड ग्राम। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि क्ले सॉयल वीट, पैडी एंड ग्राम जैसे क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन क्ले सॉयल एंड सैंडी सॉयल। यानी कि हमें क्ले सॉयल एंड सैंडी सॉयल के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। तो लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे क्ले सॉयल के बारे में और राइट साइड में हम लिखेंगे सैंडी सॉयल के बारे में। तो फर्स्ट डिफरेंस है, क्ले सॉयल हैज मच स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी क्ले सॉयल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है। सैंडी सॉयल हैज मच लार्जर पार्टिकल्स, यानी कि सैंडी सॉयल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। सेकेंड डिफरेंस है, पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली, यानी जो क्ले सॉयल है इसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, जबकि जो सैंडी सॉयल होती है उसके बारे में हमने क्या लिखा है, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, यानी कि सैंडी सॉयल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। थर्ड डिफरेंस है, इट कैन होल्ड गुड अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि क्ले सॉयल ज्यादा पानी को होल्ड करके रख सकती है, जबकि सैंडी सॉयल के बारे में हमने लिखा है इट्स एबिलिटी टू रिटेन वाटर इज लो, यानी कि सैंडी सॉयल की जो वाटर को रिटेन करने की एबिलिटी होती है, यानी वाटर को होल्ड करने की जो एबिलिटी होती है वो कम होती है, ये ज्यादा पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती है। फोर्थ डिफरेंस है, वाटर कैन नॉट ड्रेन क्विकली। अगर आप क्ले सॉयल में पानी डालते हैं तो क्ले सॉयल पानी को होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से क्ले सॉयल में पानी जल्दी नीचे की तरफ नहीं जाता, यानी पानी जल्दी ड्रेन नहीं होता। जबकि सैंडी सॉयल के बारे में हमने लिखा है वाटर कैन ड्रेन क्विकली। अगर आप सैंडी सॉयल के ऊपर पानी डालते हैं तो पानी जल्दी ड्रेन होता है, जल्दी नीचे की तरफ चला जाता है, यानी कि सैंडी सॉयल पानी को होल्ड करके नहीं रख पाती है। फिफ्थ डिफरेंस है, इट इज हैवी इन वेट, यानी कि क्ले सॉयल का वेट ज्यादा होता है। सैंडी सॉयल के बारे में हमने लिखा है इट इज लाइट इन वेट, यानी कि सैंडी सॉयल का वेट कम होता है। सिक्स्थ डिफरेंस है, लेस एयर बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि क्ले सॉयल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें हवा कम होती है, और सैंडी सॉयल के बारे में हमने लिखा है मोर एयर बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी सैंडी सॉयल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज्यादा हवा होती है। अब हम सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉयल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमें स्केच तैयार करना है क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉयल का और सॉयल की अलग अलग लेयर्स को लेबल करना है। तो ये जो स्केच है स्टूडेंट्स क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉयल का, जिसमें सॉयल की अलग अलग लेयर्स को लेबल भी किया गया है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक के 98 पेज नंबर पर है। तो हम आपको एनसीईआरटी से ही ये डायग्राम समझाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सॉयल की अलग अलग लेयर्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो टॉप लेयर होती है, इसको हम ए होराइजन कहते हैं। उसके नीचे वाली जो लेयर होती है इसको हम बी होराइजन कहते हैं। उसके नीचे वाली जो लेयर होती है इसको हम सी होराइजन कहते हैं। और सी होराइजन के नीचे वाली लेयर, यानी सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है, इसको हम बेड रॉक कहते हैं। ये सभी सॉयल की अलग अलग लेयर्स हैं।
और जो इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो है उसमें हमने आपको डिटेल में समझाया है सोयल प्रोफाइल के बारे में। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आप अपने मैथ सब्जेक्ट को इजी बनाना चाहते हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हमारी मैथ्स की वीडियो ज़रूर देखें। हमने बहुत इजी मेथड से मैथ के हर क्वेश्चन को आपके लिए सोल्व किया है और मैथ्स के हर चैप्टर के बेसिक्स को बहुत इजी मेथड से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप हमारी मैथ्स की वीडियोस देखते हैं तो आपके लिए मैथ सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकोलेशन। यानी कि रजिया ने एक फील्ड में, फील्ड को आप खेत या जमीन कह सकते हैं, फील्ड में एक्सपेरिमेंट किया रेट ऑफ परकोलेशन को पता करने के लिए, यानी उस जगह की जो मिट्टी है उसका रेट ऑफ परकोलेशन क्या है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो वर्ड्स होते हैं, एक है परकोलेशन और एक है रेट ऑफ परकोलेशन। परकोलेशन क्या होता है? किसी सोयल की जो एबिलिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, उसे हम कहते हैं परकोलेशन। और रेट ऑफ परकोलेशन क्या होता है? कौन सी सोयल कितनी स्पीड के साथ वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ये होता है रेट ऑफ परकोलेशन। शी ऑब्जर्व दैट इट टुक 40 मिनट्स फॉर 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू परकोलेट थ्रू द सोयल सैंपल। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जिस जगह पर रजिया ने पानी डाला, रजिया ने देखा कि उस मिट्टी में 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर को परकोलेट होने में, यानी कि एब्जॉर्ब होने में 40 मिनट्स लगे। उसके बाद हमसे कहा गया है कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन, यानी कि यहां पर हमें रेट ऑफ परकोलेशन कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ परकोलेशन, जिसे हम परकोलेशन रेट भी कहते हैं, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? परकोलेशन रेट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, परकोलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम इन मिनट्स। यानी के अमाउंट ऑफ वाटर आप मिलीलीटर में लेंगे और इसे आप न्यूमरेटर में लिखेंगे और अपॉन में आप क्या लिखेंगे? परकोलेशन टाइम, यानी कि वाटर को परकोलेट होने में, एब्जॉर्ब होने में कितना टाइम लगा, ये आप अपॉन में लिखेंगे और इसे आप मिनट में लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये परकोलेशन रेट यहाँ पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन भी यहाँ पर एज इट इज आएगा। न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए? न्यूमरेटर में हमें चाहिए अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर, और क्वेश्चन में हमें अमाउंट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 200 मिलीलीटर। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 200 मिलीलीटर और अपॉन में हमें क्या लिखना है? अपॉन में हमें लिखना है परकोलेशन टाइम इन मिनट्स, और क्वेश्चन में हमें कितने मिनट्स दिए हुए हैं? 40 मिनट्स। तो यहां अपॉन में हम लिखेंगे 40 मिनट्स। अब हम 200 को डिवाइड करेंगे 40 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से ये एक जीरो और ये एक जीरो आपस में कट जाएंगे। अब न्यूमरेटर में है 20 और डिनोमिनेटर में है 4। अब 20 और 4 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही 4 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को ही 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 वंदा 4 एंड 4 फाइव दा 20। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने 200 को 40 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 5। अब हमें परकोलेशन रेट मिल चुका है, हम यहां पर लिखेंगे परकोलेशन रेट इज इक्वल टू 5 मिलीलीटर पर मिनट। यानी कि जिस मिट्टी में ये पानी डाला गया था, ये मिट्टी हर मिनट में 5 मिलीलीटर वाटर एब्जॉर्ब करती है। अब हम 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन हाउ सोयल पोल्यूशन एंड सोयल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। यानी के हम सोयल पोल्यूशन को और सोयल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सोयल पोल्यूशन का मतलब होता है सोयल का पोल्यूट हो जाना, यानी कि सोयल का प्रदूषित हो जाना, और सोयल इरोजन का मतलब होता है सोयल का अपनी जगह से हट जाना। अब हम देखेंगे कि सोयल पोल्यूशन और सोयल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है। तो पहले हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ सोयल पोल्यूशन, यानी हम सोयल को पोल्यूट होने से कैसे रोक सकते हैं। यूज मेन्योर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि खेती के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह मेन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए।
क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स केमिकल से बने होते हैं जो कि सोयल को पोल्यूट करते हैं, जबकि मैन्योर ऑर्गेनिक होते हैं, इसलिए ये सोयल को पोल्यूट नहीं करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर रिलीज। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो फैक्ट्रीज से वेस्ट निकलता है, वो भी सोयल को पोल्यूट करता है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले ट्रीट करना ज़रूरी होता है। ट्रीट करने का मतलब है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, पहले उनको ख़त्म करना चाहिए और उसके बाद ही उस वेस्ट को रिलीज करना चाहिए। अवॉइड यूज ऑफ पॉलीथीन एंड प्लास्टिक और दे शुड नॉट गेट मिक्सड इन सॉयल। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि पॉलीथीन और प्लास्टिक भी सोयल को पोल्यूट करते हैं, तो हमें पॉलीथीन और प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए और हमें पॉलीथीन और प्लास्टिक को सोयल में मिक्स भी नहीं होने देना चाहिए। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स प्रिवेंशन ऑफ सोयल एरोजन, यानी कि हम सोयल एरोजन को कैसे रोक सकते हैं। सोयल एरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि सोयल एरोजन को रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए, क्योंकि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं ये सोयल को, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, जिससे कि सोयल एरोजन नहीं होता। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर किसी जगह पे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पर सोयल एरोजन नहीं होगा, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ये सोयल को होल्ड करके रखती हैं, सोयल को पकड़ के रखती हैं। जबकि ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ पर सोयल एरोजन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर सोयल को पकड़ने के लिए, सोयल को होल्ड करने के लिए प्लांट रूट्स नहीं होती हैं। डीफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हमें जंगलों को काटने से रोकना चाहिए, क्योंकि जंगल के जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी रूट्स सोयल को होल्ड करके रखती है, सोयल को पकड़ के रखती है, जिससे सोयल एरोजन नहीं होता। यानी कि जितने ज़्यादा जंगल होंगे उतना ही सोयल एरोजन कम होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।